दोस्तों चाणक्य एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था जिसकी कही गई बातें आज के कलयुग के ज़माने में सच हो रही हैं, और यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर लोग चाणक्य की कही गई बातों पर विश्वास भी करते हैं और साथ ही उस पर अमल कर अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जो दोस्तों कई साल पहले चाणक्य ने चाणक्य नीति में इस बात का वर्णन कर दिया है कि घर में गरीबी आने के तीन कौन से बड़े कारण होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति अनुसार ये जानेंगे कि घर में गरीबी आने के तीन सबसे बड़े कारण कौन से हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना कर पाए। दोस्तों चाणक्य ने चाणक्य नीति में इस बात को क्लियर कर दिया था कि अगर घर का कोई एक मेंबर मेहनत मजदूरी कर घर में पैसे लेकर आता है और उन पैसों में 10 लोग खाने वाले हैं तो भी बरकत आ सकती है अगर घर में ये तीन गलतियां ना की जाए। सबसे पहली गलती, अगर रात में झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं तो ऐसे में उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। चाणक्य ने इस बात को सबसे पहले श्रृंखला में लिखा था। चाणक्य नीति अनुसार दूसरा सबसे बड़ा कारण है रात के वक्त घर में झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, अगर रात के वक्त घर में झाड़ू लगाया जाए तो चाणक्य नीति अनुसार उस घर में कभी भी और दौलत शोहरत नहीं आ सकती। चाणक्य नीति अनुसार तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है। दोस्तों चाणक्य नीति में अनुसार अगर घर में कोई पुरुष झाड़ू लगाता है या फिर कोई पुरुष घर की साफ सफाई करता है ऐसे में उस घर में कभी भी पैसा धन दौलत आ ही नहीं सकता। चाणक्य नीति में इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर मजबूरी हो तो घर का पुरुष घर के बाकी काम काजों में महिलाओं की मदद कर सकता है। अगर उस घर की महिला कमाने जाती है और साथ ही उस घर का पुरुष घर संभाल कर घर में झाड़ू पोछा करता है ऐसे में अगर महिला या पुरुष कितना भी कमा ले उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। तो दोस्तों चाणक्य नीति अनुसार ये तीन बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।